गुड इवनिंग। चलो अगर सब लोग एक बार कमेंट करिए तो फास्ट। चलिए कितने लोग ज्वाइन हो गए फटाफट एक बार फास्ट में कमेंट कर दीजिए फटाफट। किशोर, कृष्णा, सचिन, गुड इवनिंग। बाकी लोग ज्वाइन हुए नहीं हुए अभी तक फटाफट। जितने लोग ज्वाइन हो गए अपने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, और ऑलमोस्ट पिछले साल में जितनी एग्ज़ाम्स हुई है, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट सारी एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। जो कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिलोलिज्म का कंसेप्ट आज अपने को डिस्कस करना है। बेसिक कंसेप्ट अपने को पता है, बट लास्ट ईयर ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स में ये ओनली अ फ्यू लाइक कंसेप्ट, ओनली अ फ्यू इस टाइप की कुछ वर्डिंग्स वहाँ पर यूज़ की गई थी, जो कि अपन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो फटाफट अपने फ्रेंड्स को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। स्पेसिफिकली जो लोग कल एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, आधे पौन घंटे का सेशन चलेगा, बट डेफिनेटली अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये सेशन आपको 4-5 मार्क दे कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। यस, एक बार कमेंट करिए फटाफट। राम, अंकिता, पूनम, वैष्णवी, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। रितेश, गुड इवनिंग बेटा। चलिए एक बार चेक कर लीजिए साउंड स्क्रीन, अगर परफेक्ट चल रहा है, सब ओके है, तो फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली हम लोग 2-4-5 बेसिक सिंपल लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग ओनली वाले पार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए करें हम लोग सेशन स्टार्ट। यस, चलो चल रहा सबका ओके, चलो रेडी। देखिए ऑलमोस्ट जो एग्जाम्स कंडक्ट होती है वहां पर ये टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली वहां पर आते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आइडिया माइंड में क्लियर हो जाएगा, जो लोग बेसिक भूल चुके हैं उनका रिवाइज भी हो जाएगा, और देन उसके बाद में हम लोग जो नया कंसेप्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ओनली ओनली अ फ्यू स्टेप की कुछ वर्डिंग्स वहाँ पर आती है, देन हम लोग फिर उसके बाद उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आइए ध्यान से देखिए, बेसिक क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करवा रहा हूँ, जो एकदम नॉर्मली जो क्वेश्चन चलते थे, जो रेगुलर सिंपल पैटर्न चलता है, लास्ट ईयर तक एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे उस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैं पहले आपको डिस्कस करवा रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चंस होने के बाद फिर हम लोग उसके बाद हम लोग जो ओनली वाला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पे हम लोग उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के पहले ध्यान से रखना, विदाउट फेल, विदाउट फेल। मैंने प्रीवियस सेशन में भी शायद से आपको बोला था, डायरेक्शन याद से पढ़ना, जब भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्शन याद से पढ़ना वहां पर क्या दिया हुआ है, क्यों डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इन ईच क्वेश्चंस बिलो आर गिवन थ्री स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर 1 एंड 2, ठीक है। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दिस सीम्स टू एड वरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। इस डायरेक्शन पढ़ने के पीछे का थीम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो और नॉट फॉलो, कभी कभी डज नॉट फॉलो इस टाइप का वर्डिंग एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा वर्डिंग आता है, डज नॉट फॉलो इस टाइप का वर्डिंग आता है। आज से 5 साल पहले 2015 या 16 के एग्जाम्स में ऐसा हुआ था, लोग जनरली जो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना वो डायरेक्शन पढ़ते नहीं है, ठीक है ना, और उस एग्जाम में उन्होंने डज नॉट फॉलो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, उसके पहले जनरली फॉलो वाला ही केस चलता था, तो उसी पैटर्न पर लोग एग्जाम लिख कर आ गए। बाहर आने के बाद पता चला किसी ने डायरेक्शन पढ़ लिया, बोले यार वो तो आज डज नॉट फॉलो पूछ लिया, कुछ अलग ही पूछ लिया था, तो लोग बोल रहे हैं हमने तो सारे आंसर नन ऑफ दिस लिख कर आ गए, फिर पता चला क्वेश्चन डज नॉट फॉलो पूछे थे और अपने फॉलो के हिसाब से सारे आंसर लिख कर आ गए। ये क्यों, तो डायरेक्शन पढ़ने में लगने वाले 10-15 सेकंड बचाने के चक्कर में पॉजिटिव में सारे आंसर सही आकर जहां पर 5 मार्क मिलने वाले थे ये तो मिले ही नहीं, एक्स्ट्रा होशियारी में निगेटिव में 1.25 हो गया, क्योंकि पांचों के पांचों आंसर गलत आ गए, जहां 5 मार्क आना चाहिए था वो आए नहीं, माइनस वन
1.25 में चले गए, यानी इफेक्टिवली कम से कम 6.25 मार्क्स का स्कोरिंग उनके इस पर आ गया, 6.25 मार्क का वेरिएशन उनके स्कोर के ऊपर आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 15 सेकंड जो डायरेक्शन पढ़ने में बचाए। तो ठीक है ना, आप डायरेक्शन पूरी मत पढ़ो, बट विदाउट फेल ये टॉपिक में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो और डज नॉट फॉलो, क्या थे? इतना एक वर्ड तो पहले कन्फर्म कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा था गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, बस ठीक है खत्म, इतना देख लिया तो भी चलता है। यानी बीच का मैटर थोड़ा फास्ट में पढ़ लिया, स्पीड में पढ़ लिया तो भी हम लोग चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन लेकिन आपका जो फॉलो और नॉट फॉलो वाला केस है ये विदाउट फेल आप लोगों ने एक बार पहले देख लेना चाहिए अपने को वहां पर क्या पूछा था। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो फॉलो वाला बोल दिया, उसके हमने गिव आंसर वन इफ ओनली वन फॉलो, टू इफ ओनली टू फॉलो, वन लिखना है अगर ओनली वन फॉलो होता है, टू लिखना है ओनली टू फॉलो, थ्री लिखना है कंक्लूजन आइदर वन और टू फॉलो, ऑप्शन फोर लिखना है नाइदर नॉर के लिए, फाइव लिखना है दोनों के लिए, ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है चलिए फटाफट एक बार ये बेसिक में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है तब तक बाकी लोग अपने लिंक को अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर जो एग्जाम्स थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, पिछले साल ऑलमोस्ट एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको भी आने के चांसेस कल बहुत ज़्यादा रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है चलो मैं पहले 5 क्वेश्चन आपको सिंपल पैटर्न पर डिस्कस कराता हूँ जो नॉर्मल क्वेश्चन है, देन हम लोग फिर से 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ओनली फ्यू वाला केस। ठीक है आइए पहले 5 क्वेश्चन ध्यान से देखना। ऑल रेन्स आर रिवर, क्या दिया है? ऑल रेन्स आर रिवर। अब देखो ऑल वाला कंसेप्ट है, तो ऑल वाली केस में डायग्राम क्या बनती है, एक के ऊपर एक दो सर्कल। ठीक है तो चलो फटाफट अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑल रेन्स आर रिवर, ध्यान से देखना सर्कल, ऑल रेन्स आर रिवर। ठीक है पहला सर्कल, एक सेकेंड, सम रेन्स आर वाटर, सम रेन्स आर वाटर रेन्स। तो मान लो देखो मैंने यहाँ पर सम रेन्स आर वाटर का ग्रीन सर्कल बना दिया जो रेन्स में चला गया, क्योंकि सम रेन्स आर वाटर बोला था। ठीक है एंड तीसरा क्या था, सम रिवर्स आर सी, सम रिवर्स आर सी। अब देखो सम रिवर्स आर सी चाहिए मेरे को, रिवर्स आर सी यहाँ पर मैंने बना दिया, अब इतना मैंने सर्कल बना दिया। नाउ कंक्लूजन देखिए, नंबर वन फर्स्ट कंक्लूजन क्या पूछा था आपको, ध्यान से देखना, ऑल रिवर्स बींग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बोला, ऑल रिवर्स बींग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में रिवर और वाटर, रिवर एंड वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके रिवर वाटर के बीच में ये डायग्राम को अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो डायग्राम में ये वाटर था, ये रिवर था, और रिवर और वाटर का है कुछ पार्ट कॉमन आया हुआ है, रिवर एंड वाटर का कुछ पार्ट यहाँ पर कॉमन आया है एक, अच्छा कुछ पार्ट कॉमन है यानी सम वाला केस बन जाता है। तो सम वाली केस अगर बनती है, एंड एक चीज ध्यान रखना क्वेश्चन में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, अगर क्वेश्चन में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, निगेटिव यानी सम आर नॉट और नो वाला वर्ड यहाँ पर नहीं है, और वहां पर सम वाला रिलेशन बनता है तो उसमें ऑल वाली पॉसिबिलिटी फॉलो होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब सम वाटर सा रिवर यहाँ बनता है, सम वाटर सा रिवर भी बनता है, सम रिवर सा वाटर भी यहाँ बनता है, विच मीन्स जो फर्स्ट कंक्लूजन आपको दिया था दैट इज ऑल रिवर्स बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन सही है। तो अपना फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या रहने वाला है, सही है, ये पहला आंसर सही है अपना। सेकेंड, ऑल रेन्स कैन बी वाटर, ऑल रेन्स कैन बी वाटर, कैन बी का मतलब अगेन पॉसिबिलिटी पे आ गए अपन, कैन बी का मतलब अगेन अपन किस पर आ गए, पॉसिबिलिटी पर। तो देखो वाटर और रेन्स में भी रिलेशन कौन सा है, सम का है, सम है तो ऑल के चांसेस बनते हैं, तो ये वाला भी फॉलो होता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन फॉलो रहे हैं, एंड अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज बोथ कंक्लूजन फॉलो, ये रहेगा क्वेश्चन का आंसर। एकदम सिंपल केस था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे ये फटाफट फास्ट, इसको थोड़ा अपन स्पीडली लेते हैं ताकि अपना जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ओनली वाला उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है। ठीक है ना, पहले इसको ले लेते हैं फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। चलो फास्ट, हाँ सेकंड क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ऑल बुक्स आर पेपर, क्या दिया, ऑल बुक्स आर पेपर, सो इनर सर्कल बनेगा बुक्स का, ये बुक्स है, एंड ऑल बुक्स आर पेपर, तो ये बुक्स के ऊपर दूसरा सर्कल बनेगा पेपर का, ऑल बुक्स आर पेपर, पहला केस। ठीक है क्लियर है, देन सेकंड अपने को दिया नो बुक इज चेयर, क्या बोला है, नो बुक इज चेयर, इट मीन्स बुक
एंड चेयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो बुक आपने यहाँ बना दी, मान लो सपोज यहाँ बना, एक मान लो सपोज यहाँ बना दिया अपन ने चेयर, तो आपको क्या बोला था, ये बुक एंड चेयर, बुक एंड चेयर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, नो बुक ही चेयर। थर्ड सेंटेंस, सम चेयर्स आर टेबल, क्या दिया, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, तो चेयर यहाँ बनी हुई है, मैंने टेबल का एक सर्कल यहाँ बना दिया। अगेन ध्यान से देखिएगा, टेबल का सर्कल यहाँ बना हुआ, ये टेबल सम चेयर्स आर टेबल था, नाउ ये टेबल का बुक्स के साथ, ये टेबल का पेपर के साथ कुछ रिलेशन है या नहीं है, ये मेरे को पता नहीं है, कहीं पर दिया हुआ नहीं है, तो इट मे बी टेबल का बुक्स के साथ, टेबल का पेपर के साथ कुछ रिलेशन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन में कहीं पर क्लियरली दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन नंबर वन पे आइए। एटलीस्ट सम पेपर्स आर बुक, ध्यान से देखना, एटलीस्ट सम पेपर्स आर बुक, एटलीस्ट का मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब होता है सम, एंड सिंपली सम पेपर्स आर बुक ही देख लो, तो देखो वहां पर ऑल बुक आर पेपर है, और जब ऑल बुक्स आर पेपर है तो उसका रिवर्स में सम सम पेपर्स आर बुक, ये डेफिनेटली फॉलो होता है, तो पहला तो सही है। सेकंड कंक्लूजन पे ध्यान देखो, ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि क्योंकि टेबल और पेपर की बात हो रही है, ध्यान से देखना, टेबल और पेपर, ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, बन सकता है, बिकॉज पेपर के ऊपर ध्यान रखना, मैं एक पेपर का नया सर्कल ड्रॉ करता हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पेपर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अपने को पेपर के बारे में क्या लिखा था, ऑल बुक्स आर पेपर, ऑल बुक्स आर पेपर एक, सेकंड थिंग ऑल बुक्स आर पेपर के अलावा पेपर वर्ड और कहीं पर दिया हुआ है नहीं, और किसी के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है नहीं, ऑल का मतलब एक के ऊपर एक दो सर्कल चाहिए, इनर सर्कल आपके सब्जेक्ट बुक का बन गया, बुक के ऊपर का सर्कल पेपर का चाहिए, अगर मैं पेपर का सर्कल ऐसा बड़ा बना लेता है पेपर, ठीक है, तो ये पेपर के हिसाब से तो टेबल के ऊपर पेपर चला गया, यानी ऑल टेबल्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, उसके चांसेस है, उसके चांसेस है, ये जो येलो राउंड मैंने बड़ा बनाया ना वो आपके पेपर के लिए बनाया मैंने, तो इसके चांसेस है, सो जो सेकंड पूछा था ऑल टेबल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब अगेन अपने क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5, बोथ फॉलो, यहां पर भी ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा अगेन बोथ कंक्लूजन फॉलो, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए फटाफट फास्ट, हाँ ध्यान से देखना, थर्ड नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, क्या दिया, नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, अब नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर का मतलब देखो, एक सर्कल बन गया ट्रायंगल का, एक सर्कल बन गया स्क्वायर का, नो ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, ठीक है, नो ट्रायंगल इज स्क्वायर। सेकंड बना नो सर्कल इज अ रेक्टेंगल, अगेन नए वर्ड्स आ गए, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, ठीक है, एक काम और करते अपन, तीसरा भी एक बार देख लो ना, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, क्या दिया, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, तो एक काम करो पहले इसको लो, तो पहले का डायग्राम बना दिया अपने, नो ट्रायंगल इज स्क्वायर, थर्ड वन पहले लेता हूँ, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, और बीच का क्या था, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल का सर्कल बनेगा वो सर्कल से अलग रहेगा, नो सर्कल इज रेक्टेंगल, चलिए यह बना दिया अपने रेक्टेंगल, मीन्स ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोला था, ये ट्रायंगल और स्क्वायर में कोई रिलेशन नहीं है, और सर्कल रेक्टेंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये जो ऊपर था ये ट्रायंगल स्क्वायर, इसमें रिलेशन नहीं है, रेक्टेंगल सर्कल में रिलेशन नहीं है, स्क्वायर सर्कल में सम का रिलेशन डेफिनेटली है, बट ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल के बीच का कंफर्मेशन कहीं पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, इसकी गारंटी नहीं है। कंक्लूजन नंबर वन, सम स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल, क्या लिखा है, सम स्क्वेयर्स आर नॉट रेक्टेंगल, सम स्क्वेयर्स आर नॉट रेक्टेंगल, इट मीन्स स्क्वेयर का कुछ पार्ट रेक्टेंगल के बाहर होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सम स्क्वेयर्स आर नॉट रेक्टेंगल, तो वो आपका स्क्वेयर्स था, ये आपका रेक्टेंगल था, तो सम स्क्वेयर्स आर नॉट रेक्टेंगल ये फॉलो होता है, क्योंकि क्योंकि स्क्वेयर का कुछ पार्ट
डेफिनेटली ये सर्कल में आने वाला। देखो ये सर्कल और रेक्टेंगल का कुछ, स्क्वायर और सर्कल का कुछ पार्ट कॉमन है, ये येलो मार्किंग किया हमने, स्क्वायर एंड सर्कल का कुछ पार्ट कॉमन है, और स्क्वायर सर्कल का जो पार्ट कॉमन है वो पार्ट देखो सर्कल और रेक्टेंगल अलग अलग है। जब सर्कल रेक्टेंगल अलग है तो स्क्वायर का जो पार्ट सर्कल में गया है वो कभी रेक्टेंगल में आएगा नहीं। इसका मतलब सम स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल, सम स्क्वायर्स आर नॉट रेक्टेंगल, ये सिचुएशन फॉलो होती है। तो आपका आंसर आएगा वन इज फॉलो। नाउ अबाउट सेकंड देख लो, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसकी गारंटी नहीं ये होगा या नहीं, ये हम लोग कन्फर्म बता नहीं सकते। तो आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर वन इज द आंसर, ये रहेगा आपके क्वेश्चन का आंसर, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर पे आइए, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल कप्स आर प्लेट्स, ऑल कप्स आर प्लेट्स, देखो ये कप, ऑल कप्स आर प्लेट, ऑल प्लेट्स आर बॉक्सेस, ऑल प्लेट्स आर बॉक्सेस, एंड नो बॉक्स इज अ स्पून, नो बॉक्स इज अ स्पून, यानी बॉक्स एंड स्पून, बॉक्स एंड स्पून ये दोनों भी चीजें अलग अलग, एकदम सिंपल सिंपल डायग्राम था। अगले इस पे ये, ऑल प्लेट्स बींग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल प्लेट्स बींग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताओ ये प्लेट यहाँ पर है, वो स्पून वहाँ पर है, तो ऑल प्लेट बींग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी प्लेट इधर है स्पून बाहर है, अब वो स्पून पूरा ही बाहर है, तो ये पॉसिबल नहीं है ठीक है, तो ये आएगा नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट, क्या दिया हुआ है, सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट, सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्सेस का सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्सेस का सर्कल है, प्लेट का सर्कल है, यहाँ सम बॉक्सेस आर प्लेट है, सम बॉक्स आर प्लेट है, अभी सम बॉक्स आर प्लेट है और बॉक्स आर प्लेट में कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो सम बॉक्स आर प्लेट का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, बॉक्स आउटर सर्कल है, प्लेट इनर सर्कल है, तो ऑल प्लेट्स आर बॉक्स है, यहाँ पर ऑल प्लेट्स आर बॉक्स है, तो सम बॉक्स आर प्लेट होता है, और सम बॉक्स आर प्लेट का मतलब ऑल बॉक्सेस बींग अ प्लेट इज अ पॉसिबिलिटी, ये बनता है, ऑल बॉक्सेस आर प्लेट, इसके चांसेस है, और यहाँ पर बोलता है सम बॉक्सेस आर नॉट प्लेट, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फोर, नाइदर वन नॉर टू, बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो, नाइदर वन नॉर टू इज द आंसर, वो बनेगा इसका आंसर आपका, दोनों फॉलो नहीं होने वाले ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर फाइव, ध्यान से देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर फाइव, ऑल बाइक्स आर कार, क्या लिखा है, ऑल बाइक्स आर कार, ऑल बाइक्स आर कार, बाइक के ऊपर कार का, देन सम कार्स आर बसेस, सम कार आर बसेस, ठीक है, सम कार आर बसेस, एंड लास्ट में ऑल बसेस आर ट्रक, ऑल बसेस आर ट्रक, अब अगर ऑल बसेस आर ट्रक दिया तो बस के ऊपर से एक सर्कल बन जाएगा ट्रक का आपका ठीक है, बस के ऊपर क्या बनेगा, ट्रक। कंक्लूजन नंबर वन, ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार, पॉसिबल पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, इसने कंफर्मेशन दिया ऑल बसेस आर कार, तो है क्या ऐसा, नहीं है। सेकंड, सम कार्स आर ट्रक, सम कार्स आर ट्रक, हाँ सम कार्स आर ट्रक वहां पर फॉलो होता है, क्योंकि कार एंड ट्रक में कुछ कंसेप्ट कॉमन बनता है, तो सम कार्स आर ट्रक ये फॉलो होता है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू, ये आंसर यहाँ पर अपना सही है, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। चलो ये होगा अपने नॉर्मल पांच क्वेश्चन ठीक है ना, अपने को एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मिक्स पैटर्न पर चलने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस में ओनली वर्ड आएगा, कुछ में फॉलो वर्ड आएगा, सॉरी ओनली आएगा, कहीं पर फ्यू वर्ड आएगा, यानी पांच में से दो या तीन क्वेश्चन जो अभी डिस्कस किया उस टाइप के दो आ गए तो ओनली फ्यू वाले में तीन आ जाएंगे, जो अभी डिस्कस किया उस टाइप के तीन आ गए तो ओनली फ्यू पे दो आएंगे ठीक है ना, चार पांच क्वेश्चन वहां पर आते हैं, मे भी हो सकता पूरे पांचों में वो अभी जैसे कि वैसी आ जाए, या तो पूरा ओनली वाला कंसेप्ट पूरे पांचों में लग जाए, किस टाइप से आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चंस बनेंगे इसको थोड़ा सा अपने वहां पर ध्यान रखिएगा ठीक है। चलिए
एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, सबका क्लियर है, नहीं है, एक बार फटाफट कमेंट कर दो, तो अपन यहाँ एक थोड़ा सा बेस डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आगे, किसी को कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार फास्ट में कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। सबका प्रॉपर चल रहा है, कोई इशू किसी को हैगा तो बताओ। ऑल ओके, सबका परफेक्ट चल रहा है। यस, कमेंट कमेंट करिए फास्ट फटाफट, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कशन अपना। चल रहा है सबका प्रॉपर? ओके, क्लियर है, चलेगा। ओके ठीक है, चलो देखो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको ना। अब देखो, शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ पहले वर्डिंग बता देता हूँ, थोड़े से अपन अलग अलग कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं, आप इसके मीनिंग समझ लीजिए। ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक वर्ड लिखा सम, इसको दो मिनट अपन साइड में रखते हैं। एक वर्ड लिखता हूं मैं सम, तो मेरे को बताओ सम ये वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स क्या क्या बनते हैं। सम तो इंस्टेड ऑफ सम, सम की रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ सम वहां पर आपको एक वर्ड आ सकता है एटलीस्ट। अब बताओ सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब क्या होता है कुछ। अब सम का मतलब कुछ होता है तो एटलीस्ट का मतलब भी कुछ ही होता है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब भी, एटलीस्ट यानी कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी बनता है, ठीक है ना। तो टेक्निकल मीनिंग अगर मैं देखूँ तो सम एंड एटलीस्ट ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम। इसका समझे, एटलीस्ट की जगह सिर्फ लीस्ट, लीस्ट का मतलब कम से कम। अच्छा, कभी कभी मोस्टली ऐसा भी वर्ड आता है, मोस्ट आएगा, मोस्टली आएगा, मोस्ट यानी मैक्सिमम, मोस्टली, मोस्ट, मोस्टली, मैक्सिमम, बट पूरे नहीं आए। मोस्टली का मतलब अभी भी पूरे नहीं आया, ठीक है ना। सिमिलरली लीस्ट, एटलीस्ट, मोस्ट, मोस्टली, और एक आता है एटमोस्ट, ठीक है ना। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम हो गया लेकिन अभी भी पूरे नहीं आया। कभी कभी एक वर्ड आता है जनरली, कौन सा वर्ड आएगा, जनरली, बराबर ना। जनरली सम ए आर बी, जनरली यानी परमानेंट नहीं, कन्फर्म हो रहा क्या भाई, जनरली ऐसी होता है यानी 100% कन्फर्मेशन नहीं आ रहा ना। जनरली का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट ऑलवेज है क्या, नहीं। तो ये सब का जो मीनिंग होता है ना, ये सब बनता है, एटलीस्ट, लीस्ट, मोस्ट, मोस्टली, एटमोस्ट, जनरली, ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं, ये वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं आपके सम को, ठीक है। इसके साथ साथ में एक वर्ड आपको आजकल नया एग्जाम में दिखने मिलता है, अ फ्यू। देखो फ्यू का मतलब क्या, फ्यू मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब कुछ, ठीक है ना। तो इसका भी एक मीनिंग बनता है सम, सम क्या बनता है, सम। और इसमें अ फ्यू में सिर्फ एक चीज अपने को ध्यान रखना है, अ फ्यू का एक कंसेप्ट क्या बनता है कि यहां पर ऑल पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल है। अ फ्यू का मतलब जब भी अ फ्यू लिखकर आ जाएगा ना, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, क्या लिखा सपोज मैंने, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, इसका मतलब है कुछ बॉयज आर डॉक्टर, वो सब मौलाई किस बन गया। लेकिन साथ साथ में अ फ्यू का मतलब ऑल होने के चांसेस है, ऑल होने के चांसेस है, बट कंफर्मेशन नहीं है। ऑल पॉसिबल है बट नॉट कंफर्म, समझा गया, एक बार देख लो। पहले दो वर्ड है, ओनली वर्ड आता है, अ फ्यू आता है, दो चीजें डिस्कस करना अपने को। तो अ फ्यू का मतलब क्या आया, अ फ्यू का मतलब क्या आया है, अ फ्यू मतलब सम, सम का मतलब जो अपना नॉर्मल चलता है, ठीक है ना। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया अ फ्यू, देखो क्वेश्चन लिखता हूं, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर, ऐसा मैंने लिख दिया। अब अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर का मतलब क्या होता है, अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर क्या इंडिकेट करता है,
तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग बनता है सम बॉयज आर डॉक्टर, ऐसा ही डायग्राम आप वहां पर बनाओगे। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी फ्यू लिख कर आएगा, जब भी फ्यू लिख कर आएगा आप सम वाला केस ही अप्लाई करोगे, आपको इसको ध्यान रखना है। नंबर वन एक, ठीक है। सेकंड थिंग, इसका ही और एक पार्ट, ठीक है ना, दूसरा वर्ड आता है अब अफ्यू, अफ्यू ये लिख लिया अपने। अब इसके साथ में एक वर्ड अटैच होता है ओनली अफ्यू, वर्ड क्या आता है ओनली अफ्यू, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसके नीचे और लिख रहा हूं, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर, ध्यान से ना क्या लिखा मैंने, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर। अब बताओ ओनली अ फ्यू का मतलब क्या? तो इससे पहले अपने को ओनली एक वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो अपन ने ऊपर ऊपर अ फ्यू वर्ड कवर कर लिया, ये कौन सा वर्ड आपका अ फ्यू, यहां पर वर्ड कौन सा आ गया ओनली, तो पहले अपन ओनली वर्ड समझ लेते हैं और फिर ओनली अ फ्यू पे आते हैं। तो एक काम करता हूं, वेट, अपन पहले एक काम करते हैं ओनली पे आओ सिर्फ, ओनली एप्पल आर बनाना। चलो क्या लिखा अपन ने, ओनली एप्पल आर बनाना। अब ओनली एप्पल आर बनाना का मतलब क्या बनता है, इस केस में कंसेप्ट क्या चलेगा, अब क्या होगा, तो जब भी ध्यान से देखना ये ओनली वर्ड आता है ना, ओनली एप्पल्स आर बनाना, इसका मतलब एप्पल में सिर्फ बनाना ही आ सकता है। ओनली एप्पल्स आर बनाना, ओनली एप्पल्स आर बनाना, इसका मतलब बनाना में और दूसरा कोई आएगा नहीं। तो इन दिस केस ऑल का रिवर्स डायग्राम, इसमें क्या करना है, ऑल का रिवर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें ओनली एप्पल सार बनाना का डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो इनर सर्कल बनेगा बनाना का, आउटर सर्कल बनेगा एप्पल का। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये बाहर एप्पल है अंदर बनाना है, तो यहाँ पर ओनली एप्पल सार बनाना, ओनली एप्पल्स का मतलब सम एप्पल सार बनाना वाला जैसा कंसेप्ट बन गया, लेकिन ओनली एप्पल साल बनाना मतलब ये बनाना में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो ओनली वाली केस में ऑल का रिवर्स डायग्राम बना लेना, ये ओनली है ना, तो आप कह रहे हो ऑल एप्पल सार बनाना की जगह ऑल बनाना सार एप्पल, ऐसा उल्टा समझकर उसका डायग्राम बना लीजिए, काम बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, काम बहुत फास्ट होता है। तो यहां पर क्या बनेगा, ऑल बनानाज आर एप्पल। अब इसमें दो सेंटेंस लिख तो देखो, ऑल बी इज ए, जैसा बनाना और एप्पल ना, बी और एक मैंने बनाना और एप्पल के लिखा, ऑल बी इज ए इज पॉसिबल, ऐसा लिखकर आ गया, तो ये गलत है क्योंकि वो उसका मीनिंग ही कंफर्म बनता है, ये गलत हो जाएगा, इसको सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा वर्ड मान लो, सपोज मैंने बोल दिया, अब ये ओनली होगा ना, अब मैं ओनली और फ्यू इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, आपका जो ओनली था उसको अपन यहाँ पर कंबाइन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर। तो जब आप लोग इसका डायग्राम बनाओगे तो आप डायग्राम बनाओगे सम का, डायग्राम कैसा बनाओगे आप इसमें सम का, कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपका टेबल और ये बनेगा आपका चेयर। जब भी ओनली अफ्यू होगा, देखो सिर्फ ओनली आया तो ऑल वाला रिवर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, और फ्यू वर्ड आ गया तो सम का, फ्यू वर्ड आ गया तो सम का डायग्राम ड्रॉ करना है, ओनली वर्ड आ गया तो ऑल का रिवर्स डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। और जब ओनली अ फ्यू लिख कर आ जाता है, ओनली अ फ्यू लिख कर आता है, तो ओनली अ फ्यू वाली केस में, ओनली अ फ्यू वाली केस में आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ओनली अ फ्यू वाली केस में आप यहाँ क्या करोगे, सम का डायग्राम बनाओ। ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर का मतलब सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर। अब इसमें सिर्फ ध्यान रखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें ध्यान रखना, नंबर वन ऑल
चेयर्स आर टेबल एंड दूसरा ऑल टेबल्स आर चेयर। ये ऊपर का ना इज पॉसिबल हो जाएगा और इज नॉट पॉसिबल। ये क्या किया मैंने आप, तो देखो ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर का मतलब अपन ने क्या लिखा, सम टेबल्स आर चेयर। डाय ओनली अ फ्यू वाली केस में डायग्राम बनेगा सम का, डायग्राम कौन सा बनेगा सम का, बट ओनली में मैंने वो ऑल का रिवर्स आपको बोला था, बराबर ना। तो यहां पर कंसेप्ट क्या चलता है, देखो ओनली 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 टेबल्स आर चेयर, तो डायग्राम क्या होता है ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल। तो ओनली अ फ्यू वाली केस में, ओनली अ फ्यू वाली केस में ऑल चेयर्स आर टेबल, प्रेडिकेट के ऊपर सब्जेक्ट ऑल चेयर्स आर टेबल, ये डायग्राम पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है, बट ऑल टेबल्स आर चेयर ये पॉसिबल नहीं है। बस इतना डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, ओनली वाली केस में मैंने बोला था ऑल का रिवर्स डायग्राम, फ्यू के लिए मैंने क्या बोल दिया सम का डायग्राम, और ओनली अ फ्यू आ गया तो डायग्राम तो सम का ही बनेगा, ओनली अ फ्यू आ गया तो डायग्राम कौन सा बनेगा सम का। लेकिन इसमें भी ये जो दूसरा चेयर होता ना, तो ऑल चेयर्स आर टेबल, दूसरा वाला प्रिडिकेट ऑल चेयर्स आर टेबल, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस है, लेकिन ऑल टेबल्स आर चेयर के बारे में अगर पूछा तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फॉलो नहीं हो सकता, आपने इसको ध्यान रखना। इतना अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपन बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, और एक ले लो लगे तो, और एक लिखता हूं ध्यान से देखो, ओनली अ फ्यू बुक्स आर एग्जाम। अब देखो ओनली अ फ्यू बुक्स आर एग्जाम मैंने लिख दिया तो इसका डायग्राम क्या बनेगा आपका, ओनली अ फ्यू बुक्स आर एग्जाम, ओनली अ फ्यू बुक्स आर एग्जाम, इसका मतलब डायग्राम ओनली अ फ्यू वर्ड लिखकर आ गया तो डायग्राम कौन सी बनाओगे सम की, कैसी बनेगी ये बुक्स एग्जाम। अब इसमें भी अगर आप देखोगे फिर से मेरा वही कंसेप्ट है कि आपका ये जो ई है दैट इज एग्जाम, तो ऑल एग्जाम्स आर बुक इज अ पॉसिबल, ऑल एग्जाम्स आर बुक इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बट ऑल बुक्स आर एग्जाम इज नॉट पॉसिबल। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका ऑलमोस्ट वर्किंग वहां पर हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उसके अलावा आपको इस दो तीन पॉइंट को ध्यान रखना है। तीन पॉइंट है, कौन कौन से है, नंबर वन अ फ्यू का मतलब क्या लेना है आपको सम, अ फ्यू का मतलब क्या लेना है सम, फ्यू मतलब सम, फ्यू मतलब कुछ, कुछ का मतलब सम, अपन बोलते हैं ना भाई फ्यू क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी, थोड़ी थोड़ी सी यानी फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा, थोड़ा यानी कुछ, तो फ्यू यानी कुछ ही है, कुछ मीनिंग नहीं बनता उसका, फ्यू मीन सम ही है। ठीक है, ओनली में क्या करना है सिर्फ जो भी सेंटेंस लिख कर आया ना उसका उल्टा डायग्राम बना देखना, ओनली ओनली राम इज श्याम, ओनली ओनली राम इज श्याम, तो आखिर में कौन आया श्याम, तो आप करोगे ऑल श्याम इज राम, बस ऐसा उल्टा कर लो ऑल श्याम इज राम। और जब ओनली अ फ्यू आ गया ना, ओनली अ फ्यू दोनों एक साथ में आ गया ना, तो सम का डायग्राम बनाने का, सम का डायग्राम बनेगा। और जो सबसे आखिरी में जो प्रेडिकेट दिया ना उसके ऑल के चांसेस है, पर पहले वाले के नहीं, पहला कौन जैसा स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट आता है, तो ओनली अ फ्यू में, ओनली अ फ्यू में सब्जेक्ट के ऊपर ऑल का सेंटेंस नहीं बन सकता, प्रेडिकेट के ऊपर ऑल का सेंटेंस बन सकता है, इस टाइप से ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पता होगा ना भाई, जैसे टेबल और चेयर है तो टेबल इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट एंड चेयर इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट, इतनी इंग्लिश तो पढ़ी होंगी अपन ने, ठीक है ना, जिसके बारे में बता रहे हो सब्जेक्ट होता है और आखिरी वाला प्रेडिकेट आता है, बराबर ना। तो ओनली अ फ्यू में जो प्रेडिकेट है उस पर ऑल का केस बन सकता है, सब्जेक्ट के साथ में अपन ऑल का केस वहां पर नहीं बना सकते, इसको ध्यान रखिएगा, बस इतना सा सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आओ, देखो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, दो जा धीरे धीरे मैटर क्लियर हो जाएगा पूरा आपका। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोलता है,
ओनली अ फ्यू, ध्यान से देखना, सिक्स क्या बोल रहा है क्या? एक मिनट, एक सेकंड, कमेंट देख लेते कुछ, अपन कुछ कमेंट्स आई हुई इसमें। ऑल एग्जाम्स आर बुक, एक सेकंड, कौन सा स्टेटमेंट था अपना? नहीं बेटा कंफर्म नहीं समझना है शुभम, ये जो ऑल एग्जाम्स आर बुक इज पॉसिबल चांसेस है, कंफर्म नहीं है। ओनली अ फ्यू वाली केस में ऑल एग्जाम्स आर बुक इज पॉसिबल, इसके चांसेस है, गारंटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। ऑल तभी कंफर्म होगा जब डायरेक्टली ऑल लिख कर आएगा, ऑल तभी कंफर्म आएगा। ऑल को अगर आपको कंफर्म ऑल चाहिए ना, तो आपके स्टेटमेंट में जब तक के ऑल वर्ड नहीं आता तब तक के ऑल का कंक्लूजन बनता ही नहीं है, ध्यान रखना, ये सीधा सीधा लॉजिक है। यानी आपके स्टेटमेंट में ऑल आया तो ही कंक्लूजन में ऑल आ सकता है, स्टेटमेंट में नो वर्ड आया तो ही कंक्लूजन में नो वर्ड आ सकता है, नहीं तो ये नहीं बनते, इसको ध्यान रखिएगा। पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, हाँ, इस जैसा ऑल एग्जाम्स आर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ चांसेस है, गारंटी नहीं है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब क्वेश्चन पर धीरे धीरे दो तीन क्वेश्चन में मैटर क्लियर हो जाएगा अपना, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया हुआ आपने यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू कैट्स आर पैट। अब देखो ओनली अ फ्यू कैट्स आर बैठा है, तो ओनली अ फ्यू वाली केस में मैंने अभी अभी आपको क्या बोला, जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो सम की करना है, तो आप नॉर्मली ड्रॉ कर लो, क्या करोगे, सम कैट्स आर बैट, सम कैट्स आर बैट, एकदम सिंपल ना, ओनली अ फ्यू में सम लेना। दूसरा, ऑल बैट्स आर बॉल, ऑल बैट्स आर बॉल, तो बैट के ऊपर आप सर्कल बनाओगे बॉल का, ठीक है, चलेगा। आगे आइए, ओनली अ फ्यू बॉल्स आर डॉग, ओनली अ फ्यू बॉल्स आर डॉग, तो बॉल एंड डॉग इसमें सम का केस बना लो, बॉल एंड डॉग, ये बॉल यहां पर है, मान लो मैंने इधर बना दिया आपका एक डॉग, ठीक है, चलो मैंने जनरल ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नाउ कंक्लूजन पर आते हैं अपन, पहला, ओनली कैट्स आर बॉल, ओनली कैट्स आर बॉल, ध्यान से देखिएगा, ओनली कैट्स आर बॉल, ओनली कैट्स आर बॉल, तो ये कैट आर बॉल, तो ओनली कैट्स आर बॉल वहां पर नहीं है, ओनली कैट्स आर बॉल वहां पर नहीं है, क्योंकि ओनली कैट्स आर बॉल मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉल के अंदर वो डॉग, बॉल एंड डॉग का भी रिलेशन वहां पर बना हुआ है, तो ये आएगा नहीं। दूसरा, अ फ्यू बैट्स आर डॉग, अ फ्यू बैट्स आर डॉग, अ फ्यू बैट्स आर डॉग का मतलब क्या हुआ, अ फ्यू का मतलब क्या हुआ, सम बैट्स आर डॉग, सम बैट्स आर डॉग, तो सम बैट्स आर डॉग भी देख लो, बैट ऊपर है डॉग ऊपर है, वहां पर आएगा नहीं, तो ये भी आपका फॉलो होने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर, नाइदर वन नॉर टू, बोथ कंक्लूजन आर नॉट फॉलो, दोनों भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट, अगले इसमें ये बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन मत कर दो, वो टॉपिक वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है, सिर्फ क्या था, फ्यू का मतलब कुछ होता है, आपको उतना ध्यान रखना है, ओनली अ फ्यू, ओनली का मतलब ऑल का रिवर्स काम करना है, और जब ओनली अ फ्यू दोनों एक साथ में आएगा तो सम लेकर ही चलना है, बट ऑल में पॉसिबल पूछा तो हो सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है, चलो। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर फोर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेवन में आओ, Only a few males are doctor. Only a few males are doctor. Only a few आ गया, सम का डायग्राम बना लो, तो सम मेल्स आर डॉक्टर। दूसरा, ओनली अ फ्यू मेल्स आर काइंड, ओनली अ फ्यू मेल्स आर काइंड, तो मेल्स के साथ में काइंड का सर्कल बनाना, मान लो यहां पर मैंने काइंड का सर्कल बना दिया। अब ध्यान से देखो, सम काइंड्स क्या दिया, सम काइंड्स आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, सम काइंड्स आर डॉक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो ये काइंड्स वो डॉक्टर, ये काइंड्स है वो डॉक्टर है, तो ये काइंड्स आर डॉक्टर में आप एक काम करो, मेरे को बताइए यहां पर, यहां पर
कहीं पर निगेटिव इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, निगेटिव है क्या? नहीं है। दूसरा एक काम और, ओनली अ फ्यू मेल्स आर काइंड है, तो इसमें ऑल काइंड आर मेल के चांसेस है। ये सेकंड के हिसाब से ओनली अ फ्यू मेल्स आर काइंड का मतलब ऑल काइंड आर मेल के चांसेस है। और सोचिए जब ऑल काइंड आर मेल हो गया, ऑल काइंड आर मेल हो गया, तो ये ऑल काइंड आर मेल, तो मेल और डॉक्टर में कुछ पार्ट कॉमन है, तो चांसेस है कि काइंड और डॉक्टर का भी कुछ पार्ट कंबाइन हो सकता है, उनका कुछ पार्ट कॉमन हो सकता है, उसके चांसेस है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं पर निगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये कंबाइन होने के चांसेस है। तो पहला तो सही है। दूसरा, ओनली काइंड्स आर मेल, ओनली काइंड्स आर मेल, सोचिए ओनली काइंड्स आर मेल। अब ओनली काइंड्स आर मेल का मतलब क्या होता है? ऑल मेल्स आर काइंड, ऑल मेल्स आर काइंड, बट यहां पर ऑल मेल्स आर काइंड है क्या? देख लो डायग्राम में दिख रहा है कि ऑल मेल्स आर काइंड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सेकंड वाला फॉलो नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, तो आंसर लिखना पड़ेगा। देखो ऑप्शन कहां पर, ओनली वन फॉलो, तो ऑप्शन नंबर वन ये बन जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, एकदम सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, ध्यान से देखो क्या दिया था। अगेन, ऑल वॉयलेट आर नियॉन, ऑल वॉयलेट आर नियॉन, ऑल नियॉन इज येलो, ऑल नियॉन इज येलो, ओनली अ फ्यू येलो इज डार्क। क्या लिखा? ओनली अ फ्यू येलो इज डार्क। अब ओनली अ फ्यू येलो इज डार्क का मतलब येलो एंड डार्क में सम का केस बनना चाहिए, तो येलो तो बना हुआ है, यहाँ पर अपने डार्क का सर्कल ऐसा बना देते हैं, उसमें सम बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ओनली अ फ्यू येलो इज डार्क का मतलब ऑल डार्क बींग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डार्क आर येलो, इसके चांसेस है, ऑल डार्क आर येलो के चांसेस है। अपन यही देखा था, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर जब ये ओनली अ फ्यू आ जाता है, ओनली अ फ्यू आता है, तो सेकंड वाले के साथ ऑल का केस बन सकता है। तो यहाँ पर भी जब उसने क्वेश्चन में आपको दिया, क्वेश्चन दिया ओनली अ फ्यू येलो इज डार्क, यानी ऑल डार्क इज येलो, ऑल डार्क इज येलो, इसके चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना। और नीचे कंक्लूजन नंबर वन, ओनली येलो इज वॉयलेट, ओनली येलो इज वॉयलेट। देखो ओनली येलो इज वॉयलेट का मतलब क्या बनता है? ओनली येलो इज वॉयलेट का मतलब क्या बनता है? ओनली येलो इज वॉयलेट, तो वॉयलेट अंदर होना चाहिए, येलो बाहर होना चाहिए। ओनली येलो इज वॉयलेट का मतलब क्या बनता है? वॉयलेट अंदर होना चाहिए, येलो बाहर होना चाहिए। और देख लो वॉयलेट अंदर येलो बाहर है, तो डायग्राम उस टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब ये सही है, आपका हो सकता है, चांसेस सही है इसके, कंफर्म। दूसरा, फ्यू डार्क बींग नियॉन इज अ पॉसिबिलिटी, फ्यू डार्क बींग नियॉन इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली, क्योंकि फ्यू डार्क बींग नियॉन, चांसेस पूछ रहा ना यार, कंफर्म थोड़ी पूछा उसने, चांसेस पूछा। तो मेरे को बताइए जब ये आपके येलो और डार्क में रिलेशन कौन सा है, यहाँ पर येलो और डार्क में रिलेशन कौन सा है, सम का है, तो ये डार्क का सर्कल, ये डार्क का सर्कल अगर थोड़ा सा ऐसा बड़ा बन जाता, तो ये डार्क का सर्कल बड़ा बनता तो डार्क नियॉन में चल जाता, नियॉन में चल गया, तो ये जो अभी अपने को पूछा था, फ्यू डार्क बींग नियॉन इज अ पॉसिबिलिटी, इसके चांसेस, फ्यू फ्यू का मतलब सम डार्क बींग नियॉन इज अ पॉसिबिलिटी पूछा था, सम डार्क बींग नियॉन, तो नियॉन और डार्क, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है, तो इसका मतलब ये सेकंड कंक्लूजन भी सही है। और जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन सही आते हैं, तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फाइव, बोथ वन एंड टू आर फॉलो, ये बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्या दिया भाई, ऑल टॉयज आर डॉल्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों, एक बार कमेंट करें, तो दो तीन क्वेश्चन हो गए, डिफरेंस समझ में आया क्या? जो नॉर्मली अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे और ऑल सम, इसमें क्या करना है? यस नो, यस नो, एक बार कमेंट करिए तो फास्ट में।
यस। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 9। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने क्या दिया हुआ है। ऑल टॉयज आर डॉल, क्या लिखा है? ऑल टॉयज आर डॉल। अब ऑल टॉयज आर डॉल नॉर्मल केस है, ऑल टॉयज आर डॉल, ऑल बना दिया मैंने एक पहला। दूसरा दिया नो फैन, नो फैन इज लाइट, नो फैन इज लाइट। अब देखो नो फैन इज लाइट का मतलब क्या होगा, नो फैन इज लाइट का मतलब क्या होगा? अब ये फैन और लाइट तो है ही नहीं, तो अपने को अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, नो फैन इज लाइट, ये अलग से दो सर्कल आ गया मेरे पास। ठीक है, तीसरा ऑल लाइट आर टॉयज। अच्छा अब देखो ऑल लाइट आर टॉयज, ऑल लाइट आर टॉयज का मतलब ये जो लाइट का सर्कल था ना, ये अपन टॉयज के अंदर है बना देते हैं। ठीक है, ये बाहर से ऐसे निकाल देता हूँ, ऑल लाइट आर टॉयज। ठीक है, एंड अपने को एक रिलेशन दिया था नो फैन इज लाइट, तो ये लाइट और ये फैन, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। एंड लास्ट में ओनली अ फ्यू लाइट्स आर ब्राइट, ध्यान से पढ़ना, ओनली अ फ्यू लाइट्स आर ब्राइट। अब ओनली अ फ्यू लाइट्स आर ब्राइट का मतलब लाइट और ब्राइट में सम का केस बन गया। किसमें किसमें? लाइट और ब्राइट में सम का केस। देखो लाइट और ब्राइट में अगर सम का केस है, मैं सपोज यही मन लाइट के साथ में ब्राइट का सर्कल है बना देता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखिए। सर वो श्यामल की कमेंट देखो, ओनली येलो इज वॉयलेट बोला है, लेकिन वहां पर नियॉन इज ऑल्सो वॉयलेट है। कौन से क्वेश्चन में नियॉन वाला कौन सा क्वेश्चन किया अपने सॉल्व? नंबर 8। क्या हुआ शामिल इसमें? ओनली येलो इज वॉयलेट बोला है, लेकिन वहां पर नियॉन इज ऑल्सो वॉयलेट है। देखो ये फॉलो होने का रीजन ये है कि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ऑल नियॉन इज येलो, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ऑल नियॉन इज येलो। जब ये क्वेश्चन यही दिया है कि ऑल नियॉन इज येलो, अब देखिए ऑल नियॉन इज येलो तो सम येलो इज नियॉन होने वाला है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, ध्यान से रखना, यहाँ पर क्या था? ओनली येलो इज वॉलेट, ओनली येलो इज वॉलेट। अब आप अगर डायग्राम में देखोगे ओनली येलो इज वॉलेट का डायग्राम क्या बनता है, ओनली येलो इज वॉलेट अगर मैं बोल रहा हूँ ओनली, तो ओनली येलो इज वॉलेट के लिए आप डायग्राम कैसे बनाओगे? इनर सर्कल वॉयलेट का लोगे, आउटर सर्कल येलो का लोगे, बराबर। तो यहाँ पर डायग्राम में वॉयलेट के ऊपर येलो का सर्कल आपका बना हुआ है, ऑल वॉयलेट और येलो बना हुआ है, इसका मतलब फॉलो होता है। अब रहा वो नियॉन का, तो नियॉन के लिए यही दिया हुआ है कि ऑल वॉयलेट और नियॉन, ऑल वॉयलेट और नियॉन, वॉयलेट के ऊपर नियॉन का सर्कल दिया हुआ है। और सेकेंड थिंग, अपने को ये कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूँ, ओनली येलो इज वॉयलेट, ओनली येलो इज वॉयलेट, तो ओनली येलो इज वॉयलेट में आप डायग्राम कैसे बनाओगे वो देखो, और उस टाइप का पैटर्न यहाँ पर है क्या, बस इतना देखना अपना काम हो जाता है। कि कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे रिपीट में स्टेटमेंट में आते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो जो था जो क्वेश्चन में दिया ना नियॉन इज ऑल्सो वॉयलेट है, तो ये नियॉन इज ऑल्सो वॉयलेट है वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब वो है तो फिर मेरे को इसके बारे में वैसा फिर सोचना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऑल वाला केस क्वेश्चन में ही दिया है, तो मैं उसके बारे में इसलिए नहीं सोच रहा हूँ। अपन इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं बस उतना देख लिया तो भी आपका काम हो जाता है। ओनली येलो इज वॉयलेट का मतलब ऑल वॉयलेट इज येलो, और वहां पर ऑल वॉयलेट इज येलो है, तो अपना काम हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 में ये देखिए क्या दिया अपने को, डायग्राम ड्रॉ कर लिया 9 में। कंक्लूजन नंबर 1 क्या दिया देखो, ओनली डॉल्स आर लाइट, ओनली डॉल्स आर लाइट। अब देखिए ओनली डॉल्स आर लाइट, ओनली डॉल्स आर लाइट। अब अगर मैं ओनली डॉल्स आर लाइट की यहां पर बात करता हूं, तो ओनली डॉल्स आर लाइट इसका मतलब क्या होता है? अगेन आप ओनली डॉल्स आर लाइट का मतलब क्या बनाओगे? तो लाइट का सर्कल आएगा उसके ऊपर डॉल का सर्कल आएगा, तो यहाँ पर देख लिए लाइट का सर्कल उसके ऊपर डॉल का सर्कल बना हुआ है,
इसका मतलब ये अपने को चलेगा। दूसरा, ओनली लाइट इज डॉल, ओनली लाइट इज डॉल। अब देखो, ओनली डॉल्स आर लाइट, ओनली डॉल्स आर लाइट, और यहां पर क्या है, ओनली लाइट इज डॉल। अच्छा, ओनली लाइट इज डॉल में क्या करोगे आप, ओनली लाइट इज डॉल में क्या करोगे आप, डॉल का सर्कल बनाओगे और ऊपर लाइट का सर्कल बनाओगे। तो वहां पर देख लो, डॉल के ऊपर लाइट का सर्कल बना हुआ है क्या, तो नहीं है, तो ये आएगा नहीं। तो आंसर बनेगा अपना ओनली फर्स्ट फॉलो इसका, ठीक है। चलो मैं एक बार इन क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं ऊपर आता हूँ वापस से, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है अपने को, नंबर 10। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ओनली फर्स्ट फॉलो। हाँ, नंबर 10, ओनली बनानाज आर एप्पल। अब बताओ, ओनली बनानाज आर एप्पल डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली बनानाज आर एप्पल। तो ओनली वाली केस में अपन डायग्राम, ओनली वाली केस में अपन डायग्राम कौन सा बनाएंगे, ऑल का रिवर्स, ओनली बनानास एप्पल। इसका मतलब ऑल एप्पल आर बनाना, ठीक है, पहला केस। एक दूसरा, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल। अब ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल, ओनली अ फ्यू आ गया तो सम का केस बनेगा एप्पल के साथ, एप्पल मैंगो, एप्पल मैंगो, ठीक है, सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है। तीसरा, ऑल गोवाज आर मैंगो, तो ये जो गोवा का सर्कल बनेगा ये मैंगो के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है, आगे बढ़िए। कंक्लूजन नंबर 1, सम गोवा बींग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, सम गोवा बींग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो गोवा का सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये गोवा का सर्कल, उसने क्या बोला, बींग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, वो बनाना में जा सकता क्या, तो बिल्कुल, क्योंकि वो सर्कल किसके अंदर बने हुआ, मैंगो के अंदर, तो वो मैंगो के अंदर जो मैंने लिखा थोड़ा सा बड़ा बना हो तो बनाना के अंदर वो जा सकता है, यानी पहला सही के चांसेस है, ये आपका बराबर आ जाएगा। सेकंड में क्या लिखा था, ऑल मैंगो बींग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मैंगो बींग बनाना, ऑल मैंगो बींग बनाना, तो पूरा का पूरा मैंगो बनाना हो सकता है, यानी ये मैंगो जो है बनाया, ये मैंगो। अब जैसा एग्जांपल, एक्चुअली ध्यान से देखना, मैं एक अलग सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अपना था ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल, ओनली अ फ्यू मैंगोज आर एप्पल में मैंगो और एप्पल में सम का रिलेशन चाहिए था, और मगर इतना ही आपका मैंगो बना के रख लेता, सपोज इतना ही बनाता, ठीक है, एक एक मैंगो जो मैंने पहले बनाया था ऐसा बड़ा वाला, ठीक है, और दूसरा मैंने ये ब्लैक वाला मैंगो बना दिया, ठीक है, और ये ब्लैक वाले मैंगो के अंदर ये गुआ है बना दिया छोटा सा। तो आप ये दोनों की इसमें देख लो पॉसिबिलिटीज, वो जो सेकंड वाला बनाया, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक, इसके अंदर ये, यहाँ पर ये दोनों भी चीजें आती है। ऐसा बाहर बन जाए, मान लो ये जो सर्कल था ये और इधर यहाँ बन जाता तो कन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन ये छोटे वाले में दोनों का कन्फर्मेशन बनता है, तो यहाँ पर दोनों के चांसेस है, क्योंकि सम वाली केस में मैं वो जो सम में जो सर्कल बना रहा हूँ मैंगो का, ये मैं कैसा बना रहा हूँ उसके ऊपर सारा खेल है, तो यहाँ पर दोनों के चांसेस बनते हैं अगर उस टाइप का सर्कल बन गया तो की बात, ठीक है। हाँ, मान लो जैसे रेड सर्कल मैंने बनाया था, एग्जाम्पल ये रेड और गोवा का सर्कल यहाँ बना दिया मैंने, तो फिर ये दोनों फॉलो नहीं होंगे। बट वो ब्लैक वाला जो मैंने बनाया ऊपर वाला, देखो इन दिस केस ये रेड सर्कल मान लो मैंगो के लिए, और ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये येलो वाला मान लो ये गोवा के लिए, तो ऐसा अगर मेरा डायग्राम बना तो ये दोनों फॉलो नहीं होते। बट वो जो ब्लैक सर्कल और उसके अंदर मैंने बनाया तो ये दोनों भी चीजें वहां पर फॉलो होती है, तो कन्फर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर पूछा भी क्या था अपने को, पॉसिबिलिटी, तो दोनों भी सही होने के चांसेस है, तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दोनों भी बराबर है। आपका आंसर बनेगा बोथ फॉलो, दोनों भी कंक्लूजन सही है कि ऑप्शन इसमें दिए हुए नहीं है, चलो ठीक है, इसका आंसर बनेगा आपका बोथ, ठीक है। अब बोलो कहाँ का कंफ्यूजन है, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, ठीक है।
वेटर एक बार अपन कमेंट देख लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन कर देते क्या क्या हुआ था। इसके पहले क्वेश्चन में ओनली काइंड आर मेन, एक सेकंड, इसके पहले क्वेश्चन क्या था, काइंड आर मेन वाला क्वेश्चन कौन सा था अपना, ओनली काइंड्स आर मेल को नॉट फॉलो अपने बोला था, क्योंकि जो ओनली काइंड्स आर मेल की अगर मैं बात करता हूँ तो ओनली काइंड्स आर मेल में डायग्राम अपन क्या बनाएंगे, ओनली काइंड्स आर मेल में अपना डायग्राम क्या बनता है, मेल ऑल मेल्स आर काइंड, तो ऑल मेल्स आर काइंड एम के ऊपर के, एम के ऊपर के, और यहाँ पर कन्फर्म एम के ऊपर के है क्या, नहीं है। हाँ यहाँ पर ऐसा लिख करता ओनली काइंड्स आर मेल इज अ पॉसिबिलिटी तो मैं सोचता, क्योंकि मेरे को एम के ऊपर के चाहिए, तो एम के ऊपर यहाँ के बना हुआ है क्या, नहीं, इसलिए उसको अपन ने नॉट फॉलो बोला था। यहाँ पर नॉट फॉलो बोलने का जो रीजन था ना, इसके लिए जो ओनली वाली केस में अपन जो डायग्राम ड्रॉ करते ना वो पैटर्न वहाँ पर बना हुआ नहीं है, इसलिए इसको मैंने नॉट फॉलो बोला था, ठीक है। और जो अभी का अपन ने यहाँ पर सॉल्व किया था इसमें, ये वाली केस में, इसमें क्लियरली वहाँ पर ओनली येलो इज वॉयलेट का मतलब ऑल वॉयलेट आर येलो, ऑल वॉयलेट आर येलो, इसमें वॉयलेट आर येलो, ऑल वॉयलेट आर येलो यहाँ पर फॉलो होता है, इसलिए अपन ने इसको फॉलो बोला हुआ है। इसमें ऑल वॉयलेट आर येलो का डायग्राम दिया हुआ है इसलिए फॉलो बोला, ऊपर वाली केस में ये डायग्राम वहाँ पर नहीं दिया इसलिए अपन ने उसको नॉट फॉलो बोला था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है आपके, ठीक है। चलो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, वैसे सिर्फ दो चार पांच क्वेश्चन से चीज़ें क्लियर नहीं होती है। सिलॉग्स ये टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए लोग कम से कम 50-50, 100-100 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, तब जाकर ये सारी की सारी चीज़ें कवर होती है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट था, जो ओनली फ्यू वाला जो कंसेप्ट, जो वर्डिंग होता है, वर्ड्स का जो नॉलेज होता है, बस इतना अगर आपने पार्ट ध्यान में रख लिया कि वर्ड्स कैसे कैसे आते हैं, जैसा अपने यहाँ पहले लिया था, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, एटलीस्ट, लीस्ट, मोस्ट, मोस्टली, एटमोस्ट, जनरली, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे वर्ड सम के पैरेलल यूज किए जाते हैं, कन्फ्यूज करते हैं। अच्छा, अ फ्यू, ओनली, ओनली अ फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। तो आप एक चीज ध्यान रखना, सम के पैरेलल मीनिंग में जितने भी वर्ड्स है वो कुछ भी वहां पर नहीं ला सकते हैं। जैसा लास्ट ईयर और उससे पहले साल कुछ एग्जाम्स में ओनली ओनली अ फ्यू ऐसा दिखा, उसके पहले कभी दिखता ही नहीं था, तो हो सकता है इस साल वो सम के मीनिंग वाला और एक आधा कोई नया वर्ड ढूंढ के लाए और वह आपको क्वेश्चन बनाकर पूछ ले। तो जब ऐसा कोई नया वर्ड वहां पर दिखता है तो थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग क्या बनता है अगर आपने समझ लिया ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत कुछ नया वहां पर नहीं होता है, लेकिन अपने को उस टाइप के वर्ड्स की आदत नहीं होती है। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो नॉर्मल ऑल सम, जैसा ऑल एक वो जो चार बेसिक सेंटेंस होते हैं, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, ये चार सेंटेंस के ऊपर वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है। ये ओनली फ्यू इस टाइप की वर्किंग थोड़ी सी हम लोग कम होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन उस टाइप से पहले आते ही नहीं थे, ठीक है ना, वो लास्ट ईयर से या कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो लेकिन इसके अगर प्रैक्टिस करके 20-25 क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके देख लो तो आराम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंटली आप इसके स्कोरिंग कर सकते हो, आराम से आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आई होप ये बेसिक जो कंसेप्ट था ये आपके आपका क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। सो इसके ऊपर और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अलग से, 25-50 क्वेश्चन जैसा मैंने बोला लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग भी इसके ऊपर कुछ अलग से फिर से सेशन नेक्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर और भी हम लोग कुछ डिटेल में डिस्कशन इसका कर लेंगे। ये जो पिछले 2-3 दिन में हम लोगों से ने सेशन लिया था, इसका प्योरली टारगेट था सैटरडे संडे कल परसों जो आपका एग्जाम है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। आई थिंक आफ्टरनून में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सेशन वगैरह आपका करवाया था, क्योंकि 5 मार्क का वो भी एक सवाल है और बहुत आसानी से हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर, विद इन 2 to 3 मिनट्स वो क्वाड्रेटिक आपका सॉल्व हो सकता है अगर आपने सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने इसे फोकस कहाँ पर किया था कि कम से कम टाइम में वर्किंग कैसे करें, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो अपने को प्रैक्टिस करना है, इसके लिए फिर से हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर से अलग अलग सेशन का प्लानिंग करेंगे
वो पूरा प्लान आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। उस टाइम पर अपन टाइमिंग भी उसके फिक्स रखेंगे, जैसा अभी क्या था वे मॉर्निंग इवनिंग दो दो सेशन अपने लिए पिछले 2-3 दिन में। नेक्स्ट वीक में अपन इसका एक सेशन डिसाइड कर लेंगे, रोज 1 घंटे ये सेशन अपन लेंगे जिसके अंदर ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग सिर्फ वहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। चलो तो आज का सेशन अपन यही रोकते हैं, रिमेनिंग वर्किंग जो अगला सेशन रहेगा उसके अंदर हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में फिर नया डिस्कशन करेंगे। क्लियर? जो लोग कल एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, सिर्फ कॉन्फिडेंटली जाना और कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स को फेस करिए। वो जो अपने दिमाग में नहीं, अपने से तो आता ही नहीं है, अपने से तो बनता ही नहीं है, अपन तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस के ऐसे सेट होते हैं जो 5 क्वेश्चन का पूरा सेट 2 से 3 मिनट के अंदर अटेम्प्ट होता है, और वो सही तरह से अगर आपने क्वेश्चन को सेलेक्ट किया तो बहुत आसानी से आउट ऑफ 80-70 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते हैं, उसको ध्यान रखिएगा ठीक है ना। कुछ टॉपिक के नाम तो मैं ही आपको बता देता हूँ जो आराम से हर 2-2 मिनट के अंदर 2-2 मिनट के अंदर आपका 5-5 का सेट बनाकर दे सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ्स की बात करता हूँ, तो जैसा अपन ने डिस्कशन किया था सिंप्लीफिकेशन सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर मैं ये सब ले लूँ, चलो ये सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो हार्डली 3 मिनट का टाइम लगता है, सीरीज 3 मिनट में खत्म, क्वाड्रेटिक 2-2.5 मिनट के अंदर आप खत्म कर सकते हो, डीआई 3 मिनट में आप खत्म कर सकते हो, और नई नई बोल दो तो ये मिलाकर 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, और हार्डली 25 क्वेश्चन 12 से 15 मिनट के अंदर आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना आपने। कौन कौन से? सिंप्लीफिकेशन, जैसा मैंने 2 दिन पहले के सेशन में आपको डिस्कस करवा था, वो उस पैटर्न से वो मेंटेलिटी वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आराम से आप विद इन 15 मिनट्स ये 25 क्वेश्चंस के आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलर केस अपन रीजनिंग के साथ अगर लेते हैं तो सिलॉक्स इनइक्वालिटी ठीक है, ये 2 टॉपिक अराउंड 10 क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो हार्डली 5 मिनट का टाइम लगता है, ये 5 मिनट में ये 10 क्वेश्चन, यानी ये 20 मिनट में ही आपके 35-40 क्वेश्चन यही अटेम्प्ट हो जाते हैं 20 मिनट में। रिमेनिंग 25 मिनट्स में बच्चे बात सॉल्व कर लीजिए तो आराम से 70 के आसपास आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और उतने करना ही है आप, इसको ध्यान रखो। कॉन्फिडेंटली जाना, डरना मत, अपना क्या होगा ये दिमाग से हटाओ और कॉन्फिडेंटली एग्जाम फेस करो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा ठीक है। चलो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट वीक्स में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है। चलो थैंक यू।